हेलो दोस्तों नमस्कार, क्रिकेट विद सचिन बोल रहा हूँ। फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों टेनिस बैट के पीछे जो लकड़ी निकाली जाती है, क्यों निकाली जाती है, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है। कई बार पूछते रहते हैं। अब एक एक करके उन सबको रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल है। ये लकड़ी क्यों निकालते, अच्छे खासे बैट का लकड़ी निकाल के ऐसा क्यों बना देते हैं डिजाइन, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है। स्पेशली जो गांव घरों के जहां ये बैट पहुंचे नहीं, इनकी वैल्यू पता नहीं है, वो लोग सोचते हैं कि यार ये ऐसा क्यों निकाल रखा, अजीब जैसा लगता है। स्टार्टिंग में जिसने भी देखा होगा अजीब जैसा लगा होगा कि यार लकड़ी क्यों निकाल दी, इसके पीछे से बैट तो अच्छा खासा था। तो इसकी वजह, जो खास वजह है, वो आज मैं आप लोगों को बताऊँगा। अब ये वाला बैट लेदर का बैट है, आप देख लीजिए, ये वाला है टेनिस का। अब इसके सामने ये बैट कितना छोटा है आप देख लीजिए, जबकि इसका हैंडल 13 इंच का है, इसका हैंडल 11 इंच का है, हैंडल भी छोटा बना है, उसके बावजूद भी ये बैट कितना एकदम बच्चा जैसा लगता है इसके सामने, देखिए। अब इसमें क्या होता है, जो लेदर बैट होता है इसकी जो चौड़ाई होती है 4 इंच की होती है, जो लंबाई होती है इसकी होती है लगभग 33 इंच की होती है, और इसकी जो लंबाई होती है ये 35 इंच की होती है, जो आइडियल रहता है। वैसे छोटे में भी बन जाता है, क्योंकि बहुत सारे छोटे कद के बल्लेबाज होते हैं, उनके लिए 33 इंच और 34 इंच और 35 इंच ऐसे बनाया जाता है। ये जो फुल साइज़ रहता है ये 33.5 का रहता है, 33 भी रहता है, तो इतना छोटा साइज़ रहता है और पतला रहता है, यहाँ से पतला रहता है, ये साइज थोड़ा सा कम रहता है। और इसका साइज़ देख लीजिए कितना चौड़ा है, ये 4.5 इसका फ्रंट रहता है, जो इसकी चौड़ाई है 4.5 रहती है, और लंबाई इतना लंबा है देखो। अब इसका वज़न कितना होता है, लगभग जो कश्मीर विलो का बैट है उसका मिनिमम 1150 ग्राम से लेके 1200, 1250, 1300, 1350 इतना तक वेट होता है इसका, इतने छोटे बैट का। अब इतने लंबे बैट का अगर पीछे से लकड़ी नहीं निकालेंगे तो इसका वेट कितना हो जाएगा, 1.5 किलो, 1 किलो 600 ग्राम, 1 किलो 700 ग्राम ऐसा हो जाएगा। तो इसीलिए इसके पीछे से लकड़ी निकाली जाती है। अगर उतना इससे लकड़ी नहीं निकालेंगे और इतना चौड़ा और इतना लंबा बना देंगे तो ये बहुत भारी हो जाएगा, जो कि आप उठा नहीं पाएंगे, हम लोग कोई भी उठा नहीं पाएंगे, और ना ही बैट स्विंग आएगा, मतलब किसी काम का नहीं रहेगा वो बल्ला। इसीलिए इसका जो है पीछे से लकड़ी निकाला जाता है कि इसका वेट कम हो जाए। और टेनिस, क्योंकि अगर टेनिस में आपने देखा होगा मैक्सिमम बल्लेबाज की चलती है, बॉलरों का बहुत कम ऐसा है, बहुत कम बॉलर ऐसे होंगे, नहीं तो पिटाई ज़्यादा होती है टेनिस बॉल में। तो इसलिए ये चौड़ा इसलिए बनाया हुआ है कि भाई बैट बॉल आसानी से कनेक्ट हो जाए, और लंबाई भी चौड़ाई भी इतनी ज़्यादा बना रखी है कि इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। अगर विकेटिंग, अगर नॉर्मली विकेट वाला ही मैच होगा, यानी लगातार विकेट गिरने वाला, तो मैच का इंटरेस्ट नहीं रहता। जब तक छक्के ना लगे क्रिकेट में तब तक वो मैच इंटरेस्टिंग होता ही नहीं, बॉलर बेचारा कितना भी पिटता रहे, सबको बैटिंग वाला ही पसंद है। तो किसी कोई मैच में इंडिया में आपने देखा होगा 100 रन में ऑल टीम आउट होगी तो अरे आज मज़ा ही नहीं आया, सभी यही बोलते हैं, भले बॉलर ने कितना भी अच्छा काम किया हो। इसलिए मैच को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए छक्के लगने जरूरी है, छक्के लगने के लिए इतना लंबा चौड़ा बैट बनाया जाता है। अगर लकड़ी नहीं निकालेंगे तो इसका वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए इसका लकड़ी निकाला जाता है। अभी आपको समझ में आ गया होगा, जिन लोगों को पता नहीं था क्यों लकड़ी निकाला जाता है, तो उसको आज इसका रिप्लाई मिल चुका है। दोस्तों अगर इस चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।